इस तरह की वेंडिंग मशीन जापान में हर जगह पे अवेलेबल होती है, और हर 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस तरह की वेंडिंग मशीन लगी हुई होती है जापान के अंदर। ये तो मतलब कन्वेंशनल वेंडिंग मशीन है जो कि हर जगह पे आपको हर मुल्क में मिल जाती है, पर जो जापान की स्पेशल वेंडिंग मशीन है उनमें बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अब ये चाय अवेलेबल है, हॉट और कोल्ड दोनों डिफरेंट टाइप की, और इसमें कुछ जूस भी अवेलेबल है। इसमें जो खास बात ये है कि जब आप इसमें से सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको फ्रेश बना के देती है, ऐसा नहीं है कि इसमें बनी बनाई पड़ी हुई है, और फ्रेश ये चाय या कॉफ़ी वगैरह जो कि आपने सेलेक्ट करनी है वो आपको देगी। और यहाँ नीचे पे यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से ये आपको फ्रेश बनी हुई कप के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे जो अवेलेबल है वो ये चाय भी अवेलेबल है, कॉफ़ी है, ये माचा जी जो जैपनीज टी होती है, ग्रीन टी, वो अवेलेबल है। कॉफ़ी के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, और जूसेस में जो है ग्रेप मैंगो अवेलेबल है। इस तरह जो कोल्ड साइड पे हैं वहाँ पे भी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी अवेलेबल है। और मैं जो अभी ट्राई करने लगा हूँ वो ये ग्रीन टी ट्राई करने लगा हूँ। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी टेस्ट के जैसा है, तो चले ट्राई करते हैं इसको। ये जो है 110 येन की है, तो हम ये मानते हैं। अब ये सारी लाइट्स ऑन हो गई है, 110 में जो जो अवेलेबल है ये सारी तकरीबन 110 में ही है, कुछ 120 की उनकी लाइट्स ऑन नहीं है। तो अभी मैंने ये ट्राई किया है, ये यहाँ पे कप आ गया, और इस कप के अंदर ये देखिए ये फ्रेश चाय बना गया। ये चाय रेडी हो गई है अभी, अब इसको निकालते हैं। तो ये चाय जो है फ्रेश चाय वेंडिंग मशीन से, नेशनल वेंडिंग मशीन से निकल के आई है, और यहाँ पे इन्होंने ये स्पेस भी बनाई हुई है वेंडिंग मशीन के साथ, यहाँ पे आप ये बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं।